मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 1 जुलाई से 19 जुलाई के बीच शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश की विधानसभा पहुंचे। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा का निरीक्षण किया। बताया गया है कि सोमवार को सत्र का पहला दिन है। सत्रकाल के दौरान प्रश्नकाल पर ध्यान आकर्षण का केंद्र होगा। सत्र के दौरान जनहित के अनेक मुद्दे विधायकगण रखेंगे, साथ ही सरकार द्वारा जो प्रश्न कानून है उस पर चर्चा की जाएगी। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुझे आशा है कि सत्र अच्छा होगा और उस पर चर्चाएं होंगी। सत्र के दौरान सभी लोग जनहित के मुद्दों पर ही चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की विधानसभा की कार्यवाही लाइव कराए जाने के सवाल पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। सुनिए मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र के पहले विधानसभा पहुंचे अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा। सत्र 1 जुलाई से 19 जुलाई तक चलेगा। कल सत्र का आरंभ दिन है। इस सत्र में 14 बैठकें संपन्न होंगी और प्रश्नकाल होगा, ध्यानाकर्षण होगा, जनहित के अनेक मुद्दे विधायकगण रखेंगे और साथ ही सरकार द्वारा प्रस्तुत जो कानून है उन पर चर्चा होगी। मुझे आशा है कि सत्र अच्छा होगा और सत्र चर्चा के लिए याद किया जाएगा और सत्र में सभी लोग जनहित के मुद्दों पर गंभीरता के साथ बात करेंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि लाइव होना चाहिए पूरी कार्रवाई, आप करेंगे क्या सर? अभी इस मामले में बातचीत करेंगे। सर,